नमस्ते दोस्तों, तो हमारा जो आगे वाला वीडियो था उसमें हमने देखा था कि इंडस्ट्री में इथिलीन डाइक्लोराइड को हम कैसे बनाते हैं। तो आगे फर्दर ही हमने ऐसे कई वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आप वो जाकर देखिए। तो आज हम बात करेंगे कि इंडस्ट्री में विनाइल एसीटेट को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन इसमें कौन कौन सी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इथिलीन जब O2 से पैलेडियम क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा और साथ ही में तभी एसिटिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा तभी हमको हमारी जो प्रोडक्ट है विनाइल एसीटेट वो मिलेगी, साथ में जो बाय प्रोडक्ट है हमारा इथेनॉल और पैलेडियम और HCl मिलेगा। तो ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन है। साथ ही में हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं। दूसरी रिएक्शन में होता है कि जब इथीन वो हमारे O2 से जब रिएक्ट करेगा तब हमको फिर से विनाइल एसीटेट मिलेगा और पानी भी साथ में मिलेगा। तो यहाँ पर जो हमारा इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है वो यहाँ पर O2 से रिएक्शन करके एसिटिक एसिड बनाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा इथेनॉल हुआ प्रोड्यूस हुआ वो यहीं पर ही कंज्यूम हो जाता है। फिर ये जो हमारी डी और ई रिएक्शन है वो किसके लिए है कि जो हमारा कैटालिस्ट है वो यूज हो गया होगा तो फिर से उसको रिजनरेट किया जाएगा CuCl2 की हेल्प से। और ये दूसरी रिएक्शन है उसमें क्या होगा, जो CuCl2 रिड्यूस होकर CuCl बना होगा उसकी रिएक्शन फिर से जो हमारा HCl मिला था उसके साथ होगी और हमको CuCl2 फिर से मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो HCl था वो यहीं पर कंज्यूम हो गया है, तो आगे हमको उसको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे हम हमारी फ्लोशीट देखते हैं कि फ्लोशीट में कौन कौन सी चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो इथिलीन है और साथ ही में ऑक्सीजन है उन दोनों को हम गैस फेज में रिएक्टर में डालेंगे। और जो यहाँ पर पैरामेट्रिक कंडीशन है वो हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर यहाँ पर 110 से 150 डिग्री सेल्सियस है और हमारा जो प्रेशर है वो 30 से 50 ATM जितना है। तो ये रिएक्टर है हमारा, उसमें हमारी पहली दूसरी और तीसरी जो रिएक्शन है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी। और जो मैंने बात की जो ये डी और ई वाली की जिसमें कैटालिस्ट का रिजनरेशन हो रहा है वो भी यहाँ पर अलग यूनिट में होगी, पर यहाँ पर हम उसको एक लाइन से दिखा दिया है हमने इसे कि यहाँ पर हमारा कैटालिस्ट का रिजनरेशन होता है और फिर से हम उसको रिएक्टर में ही फिट कर देते हैं। तो हमारी यहाँ पर ये सारी प्रोसेसेस हो जाती है। तो ये जो हम कब से जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री वाला जो फ्लोशीट देख रहे हैं सबकी सब फ्लोशीट, तो उसमें क्या होता है कि मेनली प्रोसेस रिएक्टर में हो ही जाती है, मेनली एक या दो बार में प्रोसेस सारी पूरी हो जाती है। बाकी का जो यूनिट होता है वो सेपरेशन और फिल्ट्रेशन वाला यूनिट होता है, तो यहाँ पर भी वैसे ही चीज़ है। तो यहाँ पर हमको हमारी प्रोडक्ट्स मिलेगी और साथ ही में बाय प्रोडक्ट्स भी मिलेगी, तो उसको अब हमको सेपरेट करना है और हमको प्योर विनाइल एसीटेट तभी हमको मिल पाएगा। तो आगे हम उसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से जो हमारी ये क्या क्या चीज़ें निकलेगी, फर्स्ट तो विनाइल एसीटेट हमारा प्रोडक्ट है वो इथेनॉल, पैलेडियम और साथ ही में जो अनरिएक्टेड एसिटिक एसिड होगा वो इथिन और O2, इतनी सारी चीज़ें यहाँ से निकलेगी। अब उसको हम थोड़ा कंडेंस करेंगे और सेपरेटर में डालेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडेंस हो जाएगा और बाकी के जो रहेंगे वो हमारे गैस फेज में रहेंगे, उसको हम ऊपर से अलग कर लेंगे, बाकी का जो लिक्विड फेज वाला है वो हमको नीचे से मिल जाएगा। तो यहाँ पर गैस फेज में हमको इथीन और O2 मिलेगा, उसको हम एब्जॉर्बर में डाल देंगे और साथ ही हम अल्कली सॉल्यूशन डाल रहे हैं तो दूसरे जो एसिडिक कंपाउंड इसमें होंगे तो वो वॉश होकर नीचे से निकल जाएंगे। और ये जो हमारे गैस हमको यहाँ पर मिला इथीन और O2 जो हमारी हम फीड में उसको फिर से डाल सकते हैं हमारी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, तो यहाँ से हम उसको फिर से फीड में रिसाइकल कर दे रहे हैं। पर ये हमने जो स्ट्रीम निकाली है वो पर्ज स्ट्रीम है, यहाँ पर हमने जो O2 लिया होगा वो एयर में से लिया होगा, तो कोई आर्गोन जैसे अनरिएक्टेड जो इनर्ट गैस है किसी के साथ वो रिएक्शन नहीं करते, तो वैसे जो गैसेस होंगे वो हम यहाँ से निकाल देंगे। तो हमारा ये गैस वाला और रिसाइकल वाला पूरा पार्ट ख़त्म हो गया। तो अब बचा क्या होगा, एसिटिक एसिड, इथेनॉल और साथ ही में हमारा विनाइल एसीटेट एंड पानी, इतनी चीज़ें यहाँ पर रह जाएंगी।
तो इसको हम फिर से सेपरेट करने के लिए हम मोस्टली क्या चीज़ यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनेटर। तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ यूज़ करेंगे। तो फ्रैक्शनेटर में हम उसको डालेंगे, तो जिसका टेम्परेचर हाई होगा, जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर हाई होगा वो हमें नीचे से मिल जाएगा, और जिसका कम होगा वो गैसियस फेज में कन्वर्ट होके हमको ऊपर से मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है और आपको समझ में आए, इसलिए मैंने यहाँ पर उन सब के बॉइलिंग टेम्परेचर भी लिखे हुए हैं। मतलब यहाँ पर CH3COOH मतलब हमारा एसिटिक एसिड का बॉइलिंग टेम्परेचर 118.1 डिग्री सेल्सियस है। मतलब इन सारी चीज़ों में से इसका बॉइलिंग टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, तो वो हमको नीचे से मिल जाएगा। बाकी की जो चीज़ें हैं वो हमको ऊपर से मिलेगी। तो ऊपर की चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें बाकी है, तो हमने बात की ऊपर से हमको हमारा विनाइल क्लोराइड मिलेगा, साथ ही में इथेनॉल और H2O यहाँ से मिलेगा, तो उसको हम आगे भेज दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर सबसे कम है, तो हमको ऊपर से मिल जाएगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका बॉइलिंग टेम्परेचर 20.2 डिग्री सेल्सियस है। तो नीचे अब कौन कौन सी चीज़ें बची होगी, एक तो विनाइल एसीटेट बचा हुआ होगा, साथ ही में पानी होगा, और ये जो विनाइल एसीटेट के मोनोमर है और इथीन के मोनोमर है वो एक साथ जुड़कर अगर कोई हैवी पॉलीमर बना लिया होगा तो वो चीज़ें होंगी, तो उसको हम कंडेंस करके आगे भेज देते हैं। तो हमने बात यहाँ पर भी की कि कंडेंस होगा तो जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर हाई होगा वो हमको लिक्विफाई हो जाएगा सबसे पहले, तो इसका 100 डिग्री सेल्सियस है, और साथ ही में हमारा विनाइल एसीटेट मोनोमर का 71 डिग्री सेल्सियस है, तो पहले पानी कंडेंस हो जाएगा, तो वो हमको लिक्विफाइड होकर नीचे से मिल जाएगा, और ऊपर से जो विनाइल एसीटेट का गैस होगा वो हमको आगे हम उसको फ्रैक्शनेटर में भेज देंगे, और इसको हम हीट करेंगे, तब क्या होगा जो 71 डिग्री सेल्सियस से अगर हम उसको ज़्यादा हीट करेंगे तो ऊपर से हमको हमारा प्रोडक्ट विनाइल एसीटेट मिल जाएगा, और नीचे से अगर कोई थोड़ा सा भी पानी बचा होगा तो वो, और साथ ही में हेवी एंड्स हमको यहाँ से मिल जाएंगे। मतलब यहाँ से हमको हमारी मेन प्रोडक्ट जो थी विनाइल एसीटेट वो यहाँ से हमको मिल गई। तो ये जो फ्लोशीट है इसमें आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात दोस्तों और कि मैं अगले हफ्ते में कोई भी वीडियो नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि अभी अगले हफ्ते में हमारी एग्ज़ाम शुरू हो रही है, तो उसके लिए पहले से मैं आप सबको सॉरी कह देता हूँ कि अगले हफ्ते में कोई भी वीडियो नहीं बन पाएगी, और उसके अगले हफ्ते में मैं पक्का अगली वीडियो बनाऊँगा। सबको ये इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक यू, जय स्वामीनारायण।